हेलो दोस्तों, जय श्री राम। होमपति ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बना रहे कमल ककड़ी और इसके साथ एक आलू। अब छील लेते दोस्तों इसको। दोस्तों अब इनको काट लेते हैं दोनों साइड को। पहले ये दोनों साइड का उठा देते हैं। अब आलू भी छील लेते हैं उसको। दोस्तों अब इनको काट लेते हैं, फिर इनको धोएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें मिट्टी भरी रहती है इनके अंदर भी। तो पहले काट लेते हैं। इस तरीके से काट लेते दोस्तों। दोस्तों हमारी कमल ककड़ी कट गई। अब सारी मैंने काट ली, अब काटेंगे। ये मैंने एक आलू ली, अब इसको भी काट लेते दोस्तों। इस तरीके से पतले पतले से। दोस्तों मैंने धो ली इसको, 5-6 बार धोई हूँ ताकि इसके अंदर की भी जो कोई मिट्टी उट्टी होगी वो निकल जाए। तो मैंने 5-6 बार धो ली। अब इसमें लगाएंगे 6 सीटी। इसमें 6 सीटी लगाऊंगा दोस्तों मैं, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे थोड़ा सा नमक सॉफ्ट बोलो। मैंने थोड़ा सा नमक डाली दोस्तों ताकि ये सॉफ्ट हो जाए सही से। मैंने कुकर बंद कर दी दोस्तों। अब रख देते हैं गैस पे। अब कर रही मैं गैस चालू। 6 सीटी लगाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए सही से पक जाए। दोस्तों हमारी कमल ककड़ी जो मैंने उबाली थी वो हमारी पक चुकी है। अब निकाल रहे हैं। अभी तो दोस्तों फ्राई भी करेंगे इनको तेल में। दोस्तों अब डाल लेते तेल। दोस्तों हमने कमल ककड़ी जो बॉइल्ड की थी ना, अब इसको सरसों के तेल में फ्राई करेंगे ताकि इसका टेस्ट थोड़ा डबल हो जाए। ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा बहुत ही करना फ्राई इसको। दोस्तों हल्के आंच से फ्राई करना है ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये बॉइल्ड होके सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको कर रहे हल्का फुल्का सा फ्राई। दोस्तों हमारी कमल ककड़ी फ्राई होके तैयार हो गई। अब इसको निकाल रहे हम।
ये ज़्यादा करेंगे तो फिर टूट जाएगी। अब कर लेते फ्राई इनको भी। दोस्तों हमारे आलू हो गए फ्राई, अब निकाल दें आलू को भी। अब डाल रही प्याज में, इसमें डाल रही हरी मिर्ची, मैंने ली थी 3 मिर्ची हरी। अब इनको भी इनके साथ फ्राई कर लेते। एक चम्मच डाल रही मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोस्तों मैंने ली थी 1 टमाटर, अब इसको डाल देते हैं। दोस्तों मैंने लिए धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और कश्मीरी मिर्ची और जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। अब डाल देते हैं इसके अंदर दोस्तों। इसमें डाल देते पानी। दोस्तों इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही, पहले मैंने 1 टमाटर डाली थी, थोड़ी सी दही डालेंगे। ताकि दोस्तों थोड़ा खाने में टैंगी सा फ्लेवर आए, खट्टा खट्टा सा। अब इसको मिलाते रहेंगे ताकि दही फटे ना। दोस्तों हमारे मसाला छोड़ दिया तेल, अब डाल रहे इसके अंदर आलू जो भी मैंने फ्राई करी थी। दोस्तों डाले कमल ककड़ी हम इसके अंदर, पहले मैंने आलू डाली फिर ये डाली। और इसी के अंदर डालूंगी दोस्तों हरा धनिया। हल्के हाथ से चलाना दोस्तों क्योंकि टूटे ना। दोस्तों दोस्तों ये मम्मी पहली बार बना रही है कमल ककड़ी आलू की सब्जी, आज तक हमने भी नहीं खाई कभी किसी ने घर में। और दोस्तों कैसी बनती है आप जरूर बताइए कमेंट के अंदर। दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई, अब मैं कर रही गैस बंद। दोस्तों हमारी आलू कमल ककड़ी की सब्जी तैयार है दोस्तों। और दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताना देखने में कैसी लग रही है, टेस्टी होगी या नहीं होगी, हमने फर्स्ट टाइम बनाई है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।